ये बड़े माशाल्लाह यंग हैं और न्यू अभी आए थे, इनके साथ वैसे जाती हुई इनको रहना चाहिए था, अभी मिनिस्टर बनते हैं। गुजर साहब ये देखे कितना आपके लिए दर्द है उनके सीने में, ये मोहब्बत है जी, मोहब्बत है। देखे आपको महसूस हुआ ना हो, उनको बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा दुख हुआ इनको। ये देखे वैसे आपने कभी सोचा था कि कोई आपको नून लीग से भी इतना दुख वाला मिलेगा कि वो एक्चुअली ये फील कर रहे हैं आप? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बाट साहब इतना प्यार करेंगे मुझे। ये देखे जरा बाट साहब की मोहब्बत है। तो जिसने इसके साथ ये ज्यादती की है उसकी भी बात करें ना, प्रवेश राय साहब की। ओ बस पूछ रहा हूँ उसकी बात करें, बात किसकी कर रही है तो बता दे। बाला चले जिसने तोड़ी है प्रवेश राय तो बेचारा रो रहा है, क्यों तोड़ दो मैं? अच्छा वो तो एंजॉय कर रहा था, तोड़ी तो किसी और ने है। अच्छा तोड़ी किसी और ने थी। नहीं, तो अब ये बताएं कि चले वो तो टूट गई और उसके बाद हुकूमत शुकूमत जो भी है, केयर टेकर आ गई और जो हुआ, लेकिन अब आगे का क्या प्रोग्राम है? इलेक्शन से सुने आप लोगों कुछ वो हो गया कि नहीं करना है इलेक्शन? नहीं नहीं हमारा तो कोई इलेक्शन डिले करने का ना, हमने तो कागजात नामजदी भी दाखिल करवाए हैं, सिक्योरिटी भी गए हैं, सारे प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जो इलेक्शन जो मुलतवी हुए हैं ये तो इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किए हैं, उनसे पूछे, इलेक्शन कमीशन से पूछे क्या हम क्यों सवाल करते हैं, हमने कोई कराने हैं इलेक्शन? हम तो ये चाहते हैं, हमारा मौकफ ये है कि इलेक्शन गैर जानबदाराना माहौल में होने चाहिए। जब इलेक्शन हो तब किसी पार्टी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत हमारी है, हम नहीं चाहते कि उस वक्त हमारी हुकूमत हो। तो आप चाहते हैं गैर जानबदार केयर टेकर सेटअप हो जिसमें हमें भी और पीटीआई को सबको मुकम्मल इत्माद हो। बट साहब ये तो बड़ा आसान है कि अगर आप ये चाहते हैं, बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि आप चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो तो वफाक के अंदर भी केयर टेकर सेटअप हो। जी जी। तो बड़ी सिंपल सी है कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें शहबाज शरीफ साहब और केयर टेकर को दे दें। देखें ये 5 साल एक लिमिट होती है, मुद्दत होती है, वो पूरी होगी तो फिर होंगे। मगर ये जो पंजाब के अंदर तो केयर टेकर चल रही है ना, तो इनके नीचे तो ठीक से इलेक्शन नहीं? वो देखे फिर इन्होंने इल्जाम लगाना ना, इन्होंने ख्याल किया ये नहीं बात भी यही है। अच्छा आपको लगता है कि केयर टेकर जो है ये सही नहीं है? नहीं नहीं ये सही होगा, मुझे नहीं पता सही है। नहीं, आप कह रहे हैं ना सही होगा, मगर हम चाह रहे हैं कि देखे वफाकी हुकूमत हमारी है। हाँ जी हम चाह रहे हैं जब इलेक्शन हो सारे इकट्ठे हो। 13 तो इकट्ठे हुए हैं और कितने इकट्ठे करने हैं? नहीं नहीं ये नहीं कह रहा, इलेक्शन इकट्ठे कह रहा हूँ मैं, इलेक्शन 13 तो इकट्ठे हैं बल्कि और भी बहुत सारे इमाम इकट्ठे हैं। अच्छा हम पेज पे वैसे गुजर साहब ये बात माने, पहली बार कोई पीएमएलएन वाला इस तरह माना है कि हम 13 इकट्ठे हैं और बहुत सारे भी इकट्ठे हैं। और कौन है? हाँ ये और कौन है जी बस साहब? और वो कह रहे हम सारे एक पेज पे हैं, सब एक पेज। ओए होए होए आम भी माशाल्लाह इस वक्त मुल्क में महंगाई का जो दौर है उसको कम करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं जो लोग, वो सारे इंशाल्लाह हमारे साथ। अच्छा तो वैसे एक बात याद आई मुझे, वो जो एक सवाल उठाते थे बड़े मियां साहब मुझे क्यों निकाला, वो किसको कहते थे? वैसे बात ये है कि हमने तो सिर्फ यही कहा था ना मुझे क्यों निकाला, क्या किसको रहते? मासूमियत का एक सवाल था मुझे क्यों निकाला। अच्छा मगर इन्होंने तो सारा कुछ उल्ट पुलट कर दिया है ना। अच्छा इन्होंने भी वही कहा है मगर जरा इनका अंदाज को थोड़ा। मेरा सवाल ये था कि कहते किसको थे मियां साहब? पता है सबको किसको कहते? किसको कहते थे हमें नहीं पता। इमरान खान को पता है? अब इमरान खान को पता है, उनसे पूछे। एक वो फिल्म नहीं थी बट गुजर ते जट, ये बट गुजर ते जट ब्लॉक होते हैं आपको पता है। जी जी इन्होंने उधर बड़ा माहौल एंजॉयबल बनाया हुआ है।